मैं भी चौकीदार का मतलब ये हो गया है कि ये बात तो सब पूरा देश समझ चुका है कि चौकीदार चोर है। मतलब प्रधानमंत्री अपनी चोरी छुपाने के लिए हर व्यक्ति से कह रहे हैं कि तुम भी चोर बन जाइए। अगर वो चोर नहीं है तो राफेल के पेपर सदन में रख दे, जेपीसी की जो मांग है विपक्ष की वो पूरी कर ले, उसका भी पानी का पानी हो जाएगा। अंबानी की कंपनी को डिफेंस में ठेका देने का क्या मतलब है? अंबानी कब से डिफेंस का काम देखने लगा? ये तो साफ है कि ये उसको कमवाएगा और अपने पर खर्च करवाएगा, इलेक्शन में खर्च करवाएगा। नीरव मोदी चला जाता है, चौकीदारी करते रहते हैं। विजय माल्या चला जाता है, मिल के जाता है, कह के जाता है मैं जा रहा हूँ, और ये चौकीदारी करते रहते हैं। मेहुल चौकसी भाई इनके, वो चले जाते हैं और ये कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। ये भगवान ऐसा चौकीदार हमें मत देना। नहीं नहीं, चौकीदार मैं चौकीदार नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। आज देश का युवा बेरोजगार है, उनसे कह रहे हैं आप पकौड़े तलिए, और जय शाह को, अमित शाह जी के लड़के को आपने 50,000 से 18,000 करोड़ का मालिक बना दिया। बेरोजगार है, हमारे घर से भी बेरोजगार है, बच्चे भी हमें बेरोजगार है, सब बेरोजगार ही चल रहे हैं। घोटाले ही हो रहे हैं जब से बैठे हैं। मोदी तो चोर है ही। चौकीदार जी ने अपने उद्योगपति दोस्तों का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है, बट उनसे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। ये तो देशी चौकीदारी करनी नहीं होती है। मोदी किसने किया? कुछ नहीं किया हम लोग के लिए, आमिर के लिए तो हर चीज है। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे पहले आए थे, क्या वो देश की रक्षा नहीं करते थे क्या? क्या उन्होंने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक नहीं करी क्या पहले? हाँ, उन्होंने गलती ही करी, उन्होंने बहुत प्रोपोगंडा नहीं करा इसका, उन्होंने कभी किसी को मीडिया में इतना बताया नहीं हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा। ये नेग्लिजेंस की वजह से ही इतना कुछ हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो से क्लियर था कि इस तरीके का हमला हो सकता है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। जब अटैक हुए तो उस टाइम वो फोटो खिंचवा रहे थे। एयर स्ट्राइक तो सेना ने कहा और सेना को श्रेय जाना चाहिए। मकसूद जैसे टेररिस्ट को चीन ने टेररिस्ट मानने से मना कर दिया है, तो दैट इज अवर बिगेस्ट फेलियर। बिकॉज जब चौकीदार ये कह रहा है कि चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उन्होंने उस फाइल पे साइन करने से क्यों मना किया? जो चौकीदार अपने मरे हुए जवानों पे, शहीदों पे वोट मांग सकता है, वो कैसा चौकीदार देश का? मेरे लिए तो वो कोई चौकीदार नहीं, और ना मैं उनके जैसा चौकीदार बनना चाहूंगी। एवरीवेयर द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स आर हैपनिंग, सो आई डोंट थिंक मोदी डिजर्व्स अ चांस नेक्स्ट टाइम। हर शख्स, खासतौर पर माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो सफर करे जहाज में हो या ट्रेन में हो, हर जगह अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि पता नहीं हम पर क्या अटैक हो जाएगा, कोई मामला हो जाएगा। कहाँ गया सबका साथ, सबका विकास? नो, कहीं नहीं नजर आ रहा, बस अपने भर रहे हैं। उनका ऑफिस था यहाँ पर मामूली साहब, अरबों का रुपयों का वो ऑफिस बना लिया उन लोगों ने 5 सालों में। और चाहे वो घर घर जा कर के ये कहे कि मैं चौकीदार हूँ, आप भी चौकीदार हैं, अब देश की जनता उससे भली भांति जान चुकी है, वो अब उनके चक्कर में आने वाली नहीं।